हाँ जी, यदि आप एएनएम के पदों पे काम करना चाहते हो, आप एएनएम की सरकारी नौकरी लगाना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को स्किप मत कर देना यदि आप एएनएम के पदों पे सरकारी नौकरी लगाना चाहते हो। तो इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। इस वीडियो के नीचे आपका कमेंट जरूर आना चाहिए कि आप इंडिया के किस कोने से इस वीडियो को देख रहे हो। इस वीडियो को शेयर जरूर करना है अपने कॉलेज फ्रेंड के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने गांव के ग्रुप में, ताकि कोई भी बच्चा जो एएनएम में लगना चाहता है उससे ये जानकारी वंचित न रह जाए। यदि आप जानना चाहते हैं पूरी डिटेल को, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली हर अपडेट आपके मोबाइल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहे। ठीक है जी, तो देख लेते हैं जी। तो दोस्तों, ये जो भर्ती निकली है उत्तर प्रदेश के अंदर निकली है, अप्लाई कोई भी कर सकता है। आप हरियाणा के हो, आप यूपी को हो, यूपी के हो, बिहार के हो, झारखंड के हो, आप कहीं से भी हो, आप अप्लाई कर सकते हो इस भर्ती के लिए। ठीक है, योग्यता आपकी होनी चाहिए। योग्यता क्या बताई गई है? एक तो जो टोटल वैकेंसी है दोस्तों, 5272, 5272 वैकेंसी आई है। ठीक है, केवल फीमेल की वैकेंसी है, केवल फीमेल की वैकेंसी है, ये इस बात का ध्यान रखना। और गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है जी, यहां पर 14 अक्टूबर को इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 28 अक्टूबर से इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे? 28 अक्टूबर से। लास्ट डेट क्या रहेगी? 27 नवंबर रहेगी जी। ठीक है, 27 नवंबर। यहां पर फॉर्म भरने की फीस क्या लगेगी? मात्र ₹25 फीस लगेगी जी, केवल ₹25। ठीक है जी, आपको फॉर्म ऑनलाइन भरना है, ये ₹25 भरने हैं, ये भी आपको ऑनलाइन जमा करवाने हैं। एज लिमिट क्या रही है? 18 से 40 साल एज लिमिट रहेगी। 18 से 40 साल एज में जो कैटेगरी वाइज छूट होती है वो छूट अलग से है, केवल यूपी के बच्चों को छूट मिलेगी, इस बात का ध्यान रखना। बाहर से, जैसे आप हरियाणा से हो, हरियाणा से आप अप्लाई करोगे तो आपको जनरल से फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है जी, 18 से 40 साल। तो यहां पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता या एएनएम फीमेल की वैकेंसी है, 5272 पोस्ट है, एएनएम का कोर्स किया होना चाहिए आपका, और यूपी का जो पीईटी है, जैसे हरियाणा में सीईटी होता है ना, वैसे ही यूपी के अंदर पीईटी होता है, तो वो आपका पास होना चाहिए, वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए, वो स्कोर आपको वो लगाना पड़ेगा स्कोर कार्ड, और एएनएम का कोर्स होना चाहिए। ये दो योग्यता आपकी मांगी गई है, और आपकी एज की कंडीशन पूरी होनी चाहिए। तो आप 5272 पदों पे जो भर्ती निकली है एएनएम की, उस एएनएम की भर्ती के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने जो अप्लाई करोगे आप फॉर्म यूपी के पीईटी के स्कोर पे, वो देखा जाएगा कि यूपी पीईटी का स्कोर आपका कम है या ज्यादा है। ज्यादा होगा तो ऊपर के टॉप के बच्चों को बुलाया जाएगा, और फिर एग्जाम होगा दोस्तों, ठीक है, रिटन एग्जाम होगा, फिर डीवी होगा, फिर मेडिकल होगा, कोई इंटरव्यू का चक्कर नहीं है। तो यदि आप 5272 पदों पे एएनएम की जो भर्ती निकली है इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो दोस्तों सुनहरा मौका है। 28 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, 27 नवंबर तक आप फॉर्म भर पाओगे। केवल फीमेल की वैकेंसी है, ऑल इंडिया से कोई भी भर सकता है। ठीक है, ₹25 फीस लगेगी, उम्र 18 से 40 साल है दोस्तों। यदि आप एएनएम जॉब लगाना चाहते हैं ना, ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके लिए। अब कुछ बच्चे बोलेंगे, ताऊ जी के हमारे पास पीईटी नहीं है। तो भाई साहब, यूपी का पीईटी नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। मैं जब भी ये पीईटी के फॉर्म निकलते हैं तो मैं वीडियो डालता हूं, और ये बताता भी हूं कि भाई साहब बहुत सारी वैकेंसी आएगी, आप यूपी का ये पीईटी का टेस्ट दिया करो। ठीक है, हरियाणा के अंदर सीईटी होने वाला है दिसंबर 31, 2024 से पहले पहले, 31 दिसंबर 2024 से पहले पहले हरियाणा के अंदर भी 50,000 वैकेंसी निकलेगी, इसका ये पीईटी जरूर देना। राजस्थान का सीईटी भी जरूर देना, राजस्थान में बहुत सारी वैकेंसी आएगी। मैंने कल भी वीडियो बनाई थी कि
कि हरियाणा का सीईटी जरूर देना है, यूपी का पीईटी जरूर देना है, राजस्थान का सीईटी जरूर देना है। इन राज्यों के अंदर स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सारी वैकेंसी आएगी। इसके अलावा रेलवे के अंदर बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, एसएससी के अंदर बहुत सारी वैकेंसी आ रही है। यदि आप मेहनत करोगे, यदि आप अप टू डेट रहोगे ना, तो आपको आने वाले 6 महीनों से लेकर 12 महीनों के अंदर अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। मैं जब भी जो भी अपडेट आएगी आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो, ठीक है। और एएनएम की डिटेल भाई साहब शेयर कर देना इस वीडियो को, और कमेंट में बता देना आपकी योग्यता क्या है, ताकि आपकी योग्यता के बेस पे आपके एरिया में कोई जॉब आए तो उसकी डिटेल भी आपको बता दूं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।